हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्किल नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक्सेल पर शॉर्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, एक्सेल पर कॉलम को अल्फाबेट वाइज करना शायद आप जानते होंगे, लेकिन रो को शॉर्ट करना मतलब रो को अल्फाबेट वाइज करना शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए ताकि अच्छे से आप इस ट्रिक का यूज़ करना सीख जाएं। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, एक्सेल पर किसी भी डाटा को अल्फाबेट वाइज सीखने के लिए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये डेस्कटॉप पर हमारी एक एक्सेल की फाइल है। हम अपनी इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक मार्कशीट बना रखा है। दोस्तों, इस मार्कशीट में आप देखेंगे कि ये जो सारे कॉलम में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, ये अल्फाबेट वाइज नहीं हैं, और आप इनको अल्फाबेट वाइज करना चाहते हैं तो आपको इस मार्कशीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको होम मेनू बार में आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब आप होम मेनू बार में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर का दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको ये कस्टम सॉर्ट पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने सॉर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है सॉर्ट टॉप टू बॉटम, और दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो हाँ, हमको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है, इसीलिए आपको ये सेकंड वाले ऑप्शंस पर टिक कर देना है और सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी रो आ रहे हैं, लेकिन आपको रो फर्स्ट को मतलब पहली वाली रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अल्फाबेट वाइज ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है। तो दोस्तों, हमको ए टू जेड करना है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपको सिंपली ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे सारे नाम अल्फाबेट वाइज हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आप बगैर माउस के भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर बाय द वे आपका माउस ख़राब है तो ये सब काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये शॉर्ट का विंडो कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए आपको कीबोर्ड से आल्ट प्लस डी प्लस एस, यानी कि आल्ट को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट डी और एस को दबा दीजिए तो आपके सामने शॉर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टैब का यूज़ करके अपना सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये आल्ट डी एस ऐसी शॉर्टकट की है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है आल्ट प्लस एच प्लस एस प्लस यू, यानी कि आल्ट को दबा के छोड़ दीजिए और जस्ट एच एस और यू को दबा दीजिए, तब भी आपका शॉर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा जैसा कि आपके सामने है। दोस्तों, अब आप ये सब काम विद माउस और विदाउट माउस कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।